नमस्कार तो आज के सेशन में हम यहाँ पे जो बताएंगे कि जो कि हमारा कोर्स था ठीक है बी एड बी ए को लेकर के इलाहाबाद विश्वविद्यालय को लेकर के तो उसकी सारी पी डी अपलोड की जा चुकी है ठीक है सारी बुक्स की साथ ही साथ में हमने एक कल जो है अपलोड किया था जिसके माध्यम से आपको पता ही होगा कि उसमें जो है आपको प्रीवियस ग्यारह ईयर के जो पेपर थे वो उसको जो है सॉल्व करने को मिला था ठीक है तो आई होप आप वेल का अच्छा कर रहे होंगे और कुछ लोगों का मैसेज यहाँ पे आया है कि डाउनलोड नहीं हो रहा था ठीक है हालांकि अधिकतर लोगों को डाउनलोड हुआ है तो एक या दो लोगों का आया था तो मैंने उनको सेंड कर दिया था ठीक है तो उन्होंने बताया टीम हमारी ने हमारी टीम ने बताया है कि कुछ लोगों को था नहीं तो हमने उनको सेंड कर दिया है बाकी ये काम मेरा नहीं है मेरा जो है तैयार करना है मॉडल पेपर साथ ही साथ में जो है साथ में तैयार करना है जो चीज़ें हैं क्योंकि कई काम रहते हैं तो हम तीन चार लोगों का ग्रुप है ठीक है तो मेरा काम रहता है एक वीडियो बनाना और जो भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है उसको दे देना तो हमारी टीम ने बताया है कि कल अपलोड किया जा चुका है सारे बीए का कोर्स पूरा अपलोड किया जा चुका है और अभी कुछ घंटों बाद जो है ये बीएससी का जो है कोर्स वो भी लॉन्च कर दिया जाएगा यानी आप वहाँ से जाकर के डायरेक्टली देख सकते हैं ठीक है डाउनलोड कर सकते हैं कोर्स को दूसरी ये चीज़ है कि आ, कल आ, एक या दो लोगों का मैसेज आया कि सर आप तो बिजनेस स्टार्ट कर दिए ठीक है देखिए इस तरीके से मैं अगर कहूँ तो मैं भी कह सकता हूँ कि अगर एक दिन आप शाम को चाय ना पिए तो उसके बराबर ही है ठीक है दस पंद्रह रुपये क्या होता है शाम को आखिर चाय ना पिए ठीक है एक टीम वर्क भी करती है मैं पिछले चार साल से वीडियो बना रहा हूँ और चार साल से कोई इनकम मेरी यूट्यूब से नहीं आ रही है ठीक है मैं खुद यहाँ पर इलाहाबाद में जब नया नया आया था तो काफ़ी सारी दिक्कतें हुई थी और उसी दिक्कत को मैं मद्देनज़र रखा कि कई स्टूडेंट जो आते हैं उनको एक सही डायरेक्शन नहीं मिल पाती है जिसके लिए मैंने ये वीडियो स्टार्ट किया था ठीक है दूसरी बात मैं आज तक पिछले तीन साल का वीडियो आप यहाँ पर रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए मैंने किसी भी वीडियो में ऐसा नहीं बोला है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए या फिर लाइक कीजिए या फिर किसी तरीके से शेयर कीजिए आज तक मैंने कुछ नहीं बोला ठीक है थीके? मुझे कुछ नहीं चाहिए था क्योंकि मैं जो है हेल्प मैं सोचता हूँ कि जो यहाँ पर आते हैं उनको कन्फ्यूज़न ना हो ठीक है उनकी हेल्प हो सके उस चीज़ को लेकर के मैंने यहाँ पे सोचा है, तो इसलिए ये नया इनिशिएटिव चला था और मैंने काफ़ी आगे तक सोचा था कि एक हब बनना चाहिए जो कि इलाहाबाद और लखनऊ को मैं सोच रहा हूँ कि एक हब बनाने का और थोड़ा सा यहाँ पे मैनेज नहीं हो पा रहा है ठीक है मैनेज जैसे ही होगा हम यहाँ पे डिजिटल बोर्ड माध्यम से करेंगे और सारी तैयारी यहाँ पर करवाई जाएगी तो इस चीज़ को यहाँ पर थोड़ा सा ले करके लेकिन हालांकि 100 200 300 सौ कमेंट में से दो कमेंट कोई मायने नहीं रखते लेकिन आप वही हाल है कि अगर आप कितने भी सुख में हो अगर एक कांटा भी चुभ जाए तो थोड़ा मायने रखता है क्योंकि ऐसी सोच नहीं रखनी चाहिए अगर कोई टीम वर्क कर रही है और दस पंद्रह रुपये आपके चार्जेस ले रही है तो उतना सोचना चाहिए कि आपको भी हाँ ठीक है इतना मेहनत कर रहे हैं तो मैंने बताया कि मेरा काम जो है सिर्फ वीडियो बनाना है अगर आपको परचेज़ नहीं कर सकते तो डेफिनेटली मैं लास्ट में अवेल करवा दूंगा ठीक है द सेकेंड थिंग इज़ कि आपके पास वक्त नहीं है सबसे बड़ी बात यह है दूसरी बात यह है कि मॉडल पेपर जब मैं खुद तैयार करूंगा उसको मैं फ्री अवेलेबल करा दूँगा ठीक है उसको आप देख लीजिएगा उसको कोई दिक्कत नहीं होगी द सेकेंड थिंग इज़ मैं चलिए ठीक है मन की भड़ास निकाल लेनी जरूरी होती है आप भी निकाल लिया कीजिए ठीक है इससे जो है अलग टाइप का सेटिस्फैक्शन मिलता है तो थोड़ा सा अपने विचारों को अगर ऐसे आप विचार रखेंगे तो थोड़ा सा इसको साफ रखिए ठीक है एक दो मैसेज मायने नहीं रखता आई नो बट लेकिन थोड़ी सी विचारधारा सही होनी चाहिए ठीक है अगर आपसे भी चार्ज करते हैं तो 300 का बुक किताबें अगर खरीदने जाएंगे तो उनसे किताबें मिल जाएंगी या फिर अलग कोचिंग संस्थान भी अगर आप कहेंगे तो देखो वहाँ पर चार्ज काफ़ी होते हैं ठीक है तो वो चीज़ आपको वहाँ पर समझना चाहिए दूसरी बात ये है कि आप इसकी चिंता बिल्कुल मत कीजिए अगर आपका कंडीशन इतनी ख़राब है कि अगर आप दस पंद्रह रुपये भी नहीं दे सकते डेफिनेटली ऐसी कोई बात नहीं है ठीक है आप भाई बंधु हैं हमारे और जो भी होगा मैं खुद अवेलेबल करा दूंगा आप मैसेज कीजिएगा ठीक है अगर आपकी कंडीशन ऐसी होती है तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दूसरी बात कि हमारा जो पहला सेशन था वो स्टार्ट किया जा चुका है और दूसरा जो है दूसरे में आप यहाँ पे देखेंगे ठीक है जो हमारा दूसरा पी होगा वो हंड्रेड हंड्रेड पेज जो है हंड्रेड पेजेस का एक एक पी है जिसके माध्यम से आपको जो है यहाँ पे दिया गया है ठीक है अब इसमें क्या है आपको आ, इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी जो है सॉल्यूशन सॉल्व पेपर है कुछ कुछ पेपर वहाँ पे उसमें छोड़ दिए गए थे तो जिसको इसमें शामिल किया गया है ठीक है तो 100 पेजेस का ये पीडीएफ है आप इसको देख ले सकते हैं यहाँ पे तीन चार तीन से चार यहाँ पर आई थिंक यहाँ पे इस पे मॉडल पेपर है इसके बाद आपका एक नया सेशन स्टार्ट हो जाता है ठीक है जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं जैसे भारत का भूगोल हो गया तो इनसे जितने भी पिछले साल प्रश्न पूछे गए हैं उनको वहाँ पे डिस्कशन कराया गया है ठीक है सौ से दो सौ दो सौ से पाँच सौ प्रश्न जो है यहाँ पे दिए गए कंपाइलेशन यहाँ पे दिया गया है मैं यहाँ पर दिखा भी देता हूँ डेढ़ सौ एक ठीक है सिर्फ भारत के भूगोल से प्रश्न जो है यहाँ पे दो ठीक है टोटल जो है प्रश्न यहाँ पे हैं दो सौ नवासी ठीक है ये मोर देन सफिशियंट होंगे आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए इसके बाहर बिल्कुल नहीं आने वाला है विश्व का भूगोल आप पढ़ लीजिएगा इसमें भी वही तीन सौ का रेशियो होगा ठीक है तीन सौ के रेशियो को यहाँ पे भी यहाँ पे रखा गया है इसके बाद इसका आंसर भी आपको उत्तरमाला भी दे दी गई है ठीक है इसके बाद जो है भारत का इतिहास जो है संबंधित यहाँ पे जो है ठीक है किसी भी सेगमेंट को यहाँ पे छोड़ा नहीं गया है हर एक सेगमेंट से पाँच पाँच सौ तीन तीन सौ यहाँ पर प्रश्न पूछे गए हैं जो पिछले साल उसी को कंपाइलेशन यहाँ पे दिया गया है ठीक है तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं सौ पेजेस का ये पी होगा इसके माध्यम से आप तैयारी डेफिनेटली आप यहाँ पर कर ही सकते हैं इसके बाद सामान्य बुद्धि जो कि रीजनिंग के होते हैं तो रीजनिंग से किस तरीके से प्रश्न पूछे गए हैं ठीक है अभ्यास के साथ साथ में आपको प्रश्न भी यहाँ पे दिया जाएगा Uh, जो भी है आप इसको एक बार देख लीजिएगा सॉल्यूशन सॉल्व कर लीजिएगा और आई थिंक ये मोर देन सफिशेंट होगा 300 प्रश्न आप यहाँ पे मुश्किल से दो घंटे लगेंगे आप यहाँ पे अगर दो दो घंटे भी देते हैं तो बड़े आसानी से आपको यहाँ पे 10 से 15 दिन में आप सिलेबस यहाँ पे पूरा कंप्लीट कर लेंगे लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि आप पूरे अभ्यास को लगा के जाइएगा अगर आपको सच चाहिए कि मेन कैंपस प्लस आपको हॉस्टल भी चाहिए तो डेफिनेटली ये आप चीज़ें कर लीजिएगा एक बार तो इसके बाहर तो बिल्कुल नहीं आने वाला सौ पेजिस का हमारा पी डी एफ समाप्त हो गया ठीक है ये तीसरा पी डी एफ है जो तीन सौ पेज का चल रहा है ठीक है इसके अंतर्गत भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो भी रीजनिंग के प्रश्न हैं तमाम प्रकार के सभी क्राइटेरियाज यहाँ पे आपको समझा के बताया गया है द फर्स्ट थिंग इसके बाद इंग्लिश के जो बच्चे हैं ठीक है इंग्लिश वालों के लिए यहाँ पे जो इंग्लिश लेना चाहते हैं हिंदी की बियॉन्ड तो वो तीसरा पी डी एफ यहाँ पे चूज कर सकते हैं ठीक है थीके? तीसरा पी डी एफ आपके लिए बेनिफिट रहेगा इसके साथ ही साथ में इंग्लिश में काफ़ी यहाँ पे सारे चीज़ें जो है दी गई हैं आपके प्रीवियस ईयर में जो पेपर प्रश्न पत्र पूछे गए हैं उसको भी यहाँ पे डिस्कशन यहाँ पे करवाया गया है ठीक है किसी भी सेगमेंट को यहाँ पे छोड़ा नहीं गया पहले आपको समझाया गया है फिर उनसे जो है प्रश्न आपको सॉल्यूशन सॉल्व दिए गए हैं उनको आप सॉल्व कीजिएगा उत्तर माला से मिलाइएगा अगर आपके डेफिनेटली अच्छे आते हैं डेफिनेटली ये उसी बेस पे बनाया गया है डेफिनेटली बड़े आसानी से आप यहाँ पे नंबर गेन कर सकते हैं और मैं टारगेट आपको देता हूँ कि 200 प्लस आपके टारगेट रखिएगा ठीक है 200 के आसपास भी अगर आप पा जाएंगे 200 प्लस भी पा जाएंगे तो बड़े आसानी से आप क्या होगा यह सामान हिंदी भी इसमें शामिल कर लिया गया है ठीक है सामान हिंदी के जो प्रश्न हैं जो बच्चे हैं जो भी दोस्त हैं हमारे वो यहाँ पे देख सकते हैं एक बार ठीक है तो प्रत्येक सेगमेंट से यहाँ पे प्रश्न को छोड़ा नहीं गया है और इसके बाहर तो बिल्कुल नहीं आएगा डेफिनेटली मैं बता दे रहा हूँ क्योंकि जो पेपर मैं चार साल से सॉल्व करा रहा हूँ वो सब यही सब चीज़ें हैं ठीक है हालांकि मैं मेरे से जितना हो पाएगा मैं वो करूँगा भी ठीक है मुझसे जितना हो पाएगा मैं वो चीज़ें आपको करूँगा अवेलेबल कराऊँगा तो आप इसकी चिंता बिल्कुल मत कीजिए ठीक है ये हमारा तीसरा पी था और चौथी पीडअप जो कि लास्ट पी है हमारा ठीक है तो ये चीज़ें आप यहाँ पे देख लीजिएगा हिंदी इसमें जो बचे हैं जो सीगमेंट बचा है उसको यहाँ पे यानी 400 पेजेस के आपके टोटल जो है पेजेस यहाँ पे आपको अवेल कराए गए हैं 400 पेज अगर आप यहाँ पे 50 पेज भी एक दिन में पढ़ते हैं 50 यहाँ पे या फिर आप मान के चलिए 40 पेज भी एक दिन में आप सॉल्व कर लेते हैं तो बड़ी आसानी से आपके यहाँ पर होने के चांसेस दस से दस पंद्रह दिन के अंदर ही अंदर हो जाएगा आपका सिलेबस कम्प्लीट ठीक है इसके बाहर इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है ठीक है ये मोर देन सफिशियंट होगा हाँ एक टाइम पे आपको थोड़ा सा लग सकता है ठीक है लेकिन जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो एक कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा और इसके बाहर तो मैं डेफिनेटली कहूँगा रिकमेंड दूंगा कि इसके बाहर तो बिल्कुल भी नहीं आने वाला है ठीक है तो ये जो हमारे पी थे सौ नंबर के पेजेस के चार पेजेस के हमारे पी है तो पचास का रेशियो एक दिन का रखिए अगर पचास का रेशियो एक दिन भी रखते हैं ठीक है थीके? तो दो दिन में सौ हो जाएंगे चार दिन में ठीक है दो हो जाएंगे और छः दिन में आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट होना चाहिए लेकिन आपको यहाँ पे रखना है पचास का नहीं पच्चीस का ही रखिए ठीक है।, है ताकि आपके पास बारह दिन यहाँ पे कंप्लीट हो जाए सिलेबस या फिर अगर पच्चीस का भी नहीं रख सकते हैं तो बीस का रखिए आराम से तो अगर बीस पेज भी आप यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं एक दिन में तो बड़े आसानी से आप यहाँ पर दस से चौदह से पंद्रह दिन में आसानी से पूरा सिलेबस जो है आप यहाँ पर पी सकते हैं ठीक है घोर के कहता है, पी, पी जाना चाहिए तो वो चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हैं साथ ही साथ में इसके बाद जो है बी और यहाँ पे बी का भी जो है कोर्स जल्दी लॉन्च किया जाएगा ठीक है आज का हमारा बी का जो है सेवाएँ समाप्त हो चुकी हैं पी को लेकर के ठीक है इसके बाद हमारा जो वीडियो हो सकेगा वो वीडियो हम डेफिनेटली बनाएंगे और मॉडल पेपर भी हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे ये चीज़ें आप डिस्कशन करे रहेंगे तो मॉडल पेपर भी आप समझने में आसानी होगी ठीक है ये चीज़ें लेकर यहाँ पे है और द सेकंड थिंग इज़ कि हमारा कोर्स जो है वो लॉन्च हो जाएगा और इसका जो है मैं लिंक दे दे रहा हूँ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जिनको भी लगता है कि हाँ Uh, जो है मुझे ये चीज़ें तैयारी कर लेनी चाहिए तो डेफिनेटली वो जाकर वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा लिंक से डायरेक्टली जा करके ठीक है इसके बाद ये वीडियो नहीं बनेगा इसका अंतिम आन, वीडियो है पीडीएफ को लेकर के ले ये अंतिम वीडियो है बीए ठीक है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बीए ए को एंट्रेंस को लेकर के ये अंतिम वीडियो है, और ये मोर देन सफिशेंट है हंड्रेड श्योर sure हो ठीक है सभी सेगमेंट को यहाँ पे कराया गया कोई भी सेगमेंट यहाँ पे छोड़ा नहीं गया है इसके बाद हमारा जल्दी ही सेशन नया सेशन आएगा जिसमें जो है वीडियोस बनाए जाएंगे ठीक है कंपाइलेशन एक मैराथन क्लास भी आएगी लेकिन आप इसको देखे रहेंगे तो डेफिनेटली मॉडल पेपर भी सॉल्व करने में बड़ी आसानी होगी तो थैंक यू सो मच कीप प्लबिंग की सपोर्टिंग एंड कीप कीपिस विद्स हाँ एक और चीज़ कि अगर आपका जो कन्फ्यूजन है आप उसको कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं अगर आपको पी डाउनलोड करने में कोई दिक्कत होगी तो आपको पी अवेलेबल करा दिया जाएगा इसकी कोई चिंता वाली बात नहीं है ठीक है आपने पेमेंट कर दिया आपको पी नहीं मिल रहा है ठीक है डेफिनेटली आपके दस पंद्रह रुपये आपके बिल्कुल भी वो चीज़ नहीं जाएंगी आप वहाँ पे स्क्रीन शॉट दे दीजिएगा हमारी टीम को ठीक है जो भी टेलीग्राम या फिर इंस्टाग्राम जो भी चलाते हो मैं अवेलेबल करा दूंगा आप उनसे बात कीजिएगा वो आपको वहाँ पे पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे ठीक है इसमें चिंता वाली बात बिल्कुल नहीं एक पैसा आपका यहाँ पे चला जाएगा तो वो चीज़ें आप उनसे बात कर लीजिएगा ठीक है बाकी ये जहाँ तक मुझे था ये वीडियो यहीं पर समाप्त कर देना चाहिए सो थैंक यू सो मच कीप लविंग की सपोर्टिंग एंड कीप स्टे वेदर्स